हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं रवि बिश्नोई। पहले बात करते हैं उनके कैच की और उनसे पूछेंगे क्या फील था उस कैच के बाद, उनका रिएक्शन क्या था, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिला रिएक्शन का। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगा। हमने बात कर रहे थे 2-3 दिन से फील्डिंग के बारे में, फील्डिंग अच्छा करना अपन को, और ये कोई पहली बार था नहीं आवेश भाई की बॉल पे मैंने ऐसा कैच पकड़ा, तो इट वाज नॉट अ इट्स न्यू नॉर्मल फॉर मी नाउ आवेश भाई की बॉल पे पकड़ना ये वाला कैच। वैसे आपने पहले मेरी बॉल पे छोड़ा है कैच, ट्राई अच्छा था लेकिन वो हाथ में नहीं आया था। जैसे कि आज भी आपने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और आपने पिछले तीनों मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, आपका क्या मतलब मंत्र रहा इस पूरी सीरीज को लेकर अभी तक? हमेशा मैं तो कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे बॉल मिले तो विकेट लेने की कोशिश करूँ, क्योंकि आपके लिए मैं गेम थोड़ा इजी करना चाहता था। थैंक यू उसके लिए, आप हमारा गेम बहुत इजी किया उसके लिए। बट मेरा यही है कि जब तक अपन कैच के लिए जाएंगे नहीं तो अपन को पता नहीं पड़ेगा वो कैच अपने पास है या दूर है, तो अच्छा। मैं कोशिश करता हूँ कैच के पास जाने की। वाह क्या बात है, थैंक यू। उसमें पास का पास अगर दूर का मारता तो ऊपर से निकल जाती ना। मचा और छोड़े से बॉर्डर कैच, इससे और बेहतरीन कैच पकड़े हुए हैं। डिलाइटफुल टू वॉच। ने कैच पकड़ा तो उसको भी रिएक्शन टाइम नहीं मिला और हमें भी रिएक्शन टाइम नहीं मिला, हम भी एकदम शॉक्ड थे कि ऐसा कैच पकड़ लिया उसने। काफी आउटस्टैंडिंग कैच था और ऐसा कि ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने ऐसा कैच पकड़ा हुआ, और इंटरनेशनल में और आईपीएल में बहुत कैच पकड़े अच्छे। वो काफी अच्छा फील्डर है, हमेशा अपनी फील्डिंग पे मेहनत करता है वो, और आज का भी जो कैच था मतलब विकेट मेरा है लेकिन खाते में उसके जाना चाहिए। I mean, first of all, it was a great opportunity for me to stand in mid-on and have a clear view of whatever happened throughout the catch and throughout that particular ball. And it went in a rocket speed and Bishnoi was double fabulous. Rocket speed was there. Yeah. Firstly, very happy with the team's win, going 2-1 up in the series. And the catch that Bishu took was absolutely remarkable. Cricket is definitely a team sport. And it's more so a team sport when you are fielding, so it's very important to have fun when you are fielding. If you're having fun, then you're always in the game.